केंद्र सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम की शुरुआत की है। एनएमपी में मोदी सरकार ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। युवा कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार कांग्रेस सरकार के 70 साल में जनता के सहयोग से खड़े किए सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही है। युवा कांग्रेस देश के साथ प्रदेश में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। शिमला में युवा कांग्रेस ने इसके खिलाफ रैली निकाली और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि 70 साल में जो सार्वजनिक संपत्ति खड़ी की थी उसे मोदी सरकार ने देश को बड़े उद्योगपतियों को बेच दिया है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। प्रदेश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। मोदी सरकार का नारा देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा जुमला साबित हुआ है। आज देश बिक भी गया है और झुक भी गया है। अपने संसाधनों को बेचकर कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। कोविड काल में गरीब लोगों का इलाज सरकारी अस्पतालों में हुआ। इन सरकारी अस्पतालों का निर्माण कांग्रेस ने 70 सालों में जनता के सहयोग से किया है, लेकिन इन्हीं सार्वजनिक उपक्रमों को मोदी सरकार संरक्षित नहीं कर पा रही है। मोदी सरकार देश को चलाने में असमर्थ है। इसके खिलाफ युवा कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा जो आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी उसका मुख्यतः दो मुद्दे थे। सबसे पहला, जो सोमवार को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का जो निर्णय लिया गया, इसको ब्राउन एसेट के रूप में जाना जाता है, उसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस विरोध करती है। और साथ ही साथ बताना चाहता हूं मैं कि जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, और जो 70 साल में क्या किया आप हमेशा कहते थे, वो बात आपको हजम हुई नहीं। पर आज सरकार के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लाकर आज आपने जो 70 साल में जो कांग्रेस ने किया था उसको बेचने का काम किया है। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, इसमें चाहे हवाई अड्डों की बात हो, चाहे बंदरगाह की बात हो, चाहे जो रेलवे, जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ये तमाम इन सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो सरकारी जो संपत्ति है हमारी, जो एसेट्स है हमारे, जो 70 साल में कांग्रेस और पूरे देश भर की जो जनता के खून पसीने की कमाई से जो बनी थी, उसको आज कुछ पूंजीपतियों के हाथों बेचने का इस सरकार ने काम किया। इसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस विरोध करती है। और आने वाले समय में हमें जरूरत पड़ी तो, पिछले कल हमने कुल्लू में इनके प्रति विरोध रोष रैली निकाली, और कल से आज भी कई जिलों में इस मुद्दे को लेकर इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि उदाहरण देना चाहूंगा, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो लाया गया है, आप खुद देखिए कि आप निजी लोगों को सब कुछ दे रहे हो, और इस कोरोना महामारी के दौर में अगर लोगों को सुविधा मिली है तो जो 70 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ था उसी कारण मिली है। चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, सरकारी ट्रांसपोर्ट में लोगों ने सफर किया, सरकारी अस्पतालों में जाके लोगों ने इलाज किया। आप खुद देखिए प्राइवेट अस्पतालों में कौन किया, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था, एक बिल्कुल साफ साफ पूरा दिखता है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है, जो आज के समय में जो सबसे ज्वलंत में सेब के दामों में जो गिरावट आई है, इससे हिमाचल प्रदेश का हर एक बागवान चिंतित है, परेशान है। आप खुद देखिए कि भी एक तरफ केंद्र सरकार ने इम्पोर्ट जो ड्यूटी है 55% से घटाकर 20% कर दिया है, पूरा साफ दिखा रहा है कि भाई किस तरीके से अपने लोगों को फायदा देना है। और दूसरा आप देखिए, इस तरफ दूसरे तरफ से आप देखिए कि अडानी ने पिछले 10 साल के सेब के जो रेट हैं वो खोल दिए हैं, जो 10 साल पहले जो रेट था उन्होंने फिर से उला दिया, जिससे आज हर एक आदमी परेशान है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि 1600 की जो पेटी है उसका पर्चा 1500 को दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पूरी की पूरी आरतियों की पूरी मोनोपोली है। और ये मोनोपोली, मेरा ये मानना है कि हमारा ये मानना है कि सारे के सारे जितने भी बागवानों से हमारी बातचीत हुई उनका ये मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, सरकार की मिली भक्ति है, जिस कारण ये पूरी की पूरी मोनोपोली चल रही है। क्योंकि अभी तक बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया, कोई स्पष्टीकरण उनका नहीं आया। इतना विरोध होने के बाद, इतने लोग परेशानी में होने के बाद, इतने पीड़ा में होने के बाद अभी तक वो किसी भी मंडी में उन्होंने विजिट नहीं किया। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें चिंता व्यक्त की है, जो खुद अपने आप को एक किसान पुत्र बताते हैं,
वो उनका खुद कहना है कि देखिए किस प्रकार के वो बयान देते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई प्रकार के बयान दिए, वो हमारे लिए आदरणीय है पर हम नहीं बोलना चाहते, पर मजबूरन हमारे को आज बागवानों की बात है तो मजबूरन हमें बोलने के लिए मजबूर कर दिया। वो कहते हैं कि आप कुछ समय के लिए अपने फसल को कम कर दीजिए, कम बेचिए, या कुछ समय के लिए आप उस पर होल्ड लगा दीजिए। ये कोई सीमेंट ईंट तो है नहीं, रेता बजरी तो है नहीं कि कुछ समय के लिए आप स्टोर कर दोगे। फल सब्जी की बात है, कुछ समय के लिए स्टोर कर दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।